हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और अच्छे अच्छे से गार्डनिंग कर रहे होंगे। हम जो सब्जियाँ लगाते हैं उनके फूल गिर जाते हैं, थोड़ी बहुत इतनी सी घिया लगी और फिर वो गिर गई, तोरी लगी वो गिर गई, खीरा लगा, ककड़ी लगी वो सब गिर गई। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इनका ख्याल रखा जाए और अच्छी अच्छी सब्जियाँ कैसे उगाई जाए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितनी सारी लौकी इतने अच्छे से इस छोटे से बेल पर लगी हुई है। इसे लगाए हुए सिर्फ 25 दिन ही हुए होंगे और इस पर फल आना भी स्टार्ट हो गया है। तो पहले मैंने इस ढांचे पर अंगूर की बेल चढ़ा रखी थी जिस पर फूल और अंगूर भी नहीं लगते थे। तो मैंने क्या किया, इस पर घिया की बेल भी चढ़ा दी और इस पर क्या हुआ कि अंगूर भी लग गए हैं और घिया भी लग गए हैं। तो पौधे के लिए जो सबसे पहला काम होता है उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट देना होता है जिसमें वो अच्छे से फ्लोरिश हो सके। जैसे जंगलों में होता है, वहाँ पे नीचे पत्ते भी पड़े रहते हैं, वो पत्ते सूख सूख कर उनकी खाद बनती रहती है, हम उसको मल्चिंग बोलते हैं। अगर आप पत्तों को सुखा कर उसकी जड़ों में डालेंगे तो वो अच्छे से एक तो उसको ठंडा रखेगी, दूसरा वो पत्ते डिकम्पोज होकर खाद का काम भी करेंगे। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक ही स्ट्रक्चर पर कितने अच्छे से लौकी लगी हुई है और साथ में अंगूर की बेल भी इसमें अच्छे से चल रही थी। तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर पौधे को अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए तो उसे किसी भी पेस्टिसाइड की या फंगीसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप से अच्छे से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करने लगता है। अब ये अंगूर पे और मैंने लौकी पे किसी भी तरह का कोई पेस्टिसाइड या फंगीसाइड यूज़ नहीं किया है। तो जो सबसे पहला काम आपको करना है वो करना है कि पौधे की मिट्टी अच्छे से तैयार करनी है। मिट्टी में आप अच्छे से सड़ी गली हुई गोबर की खाद या केंचुआ खाद और उसके साथ साथ आप थोड़ा सा कोकोपीट, नारियल का बुरादा जिसको बोलते हैं, जो कि मॉइस्चर बना के रखता है, थोड़ी सी रेत और इन सारी चीज़ों को थोड़े से सूखे हुए पत्ते ले सकते हैं, उनको लेके मिक्स करके आप अच्छे से मिट्टी तैयार कीजिए। जो दूसरा कारण है फ्रूटिंग ना होने का वो होता है कि पोलिनेशन ना होना। अब पोलिनेशन क्या होता है कि जैसे आपको ये वीडियो में दिखाई दे रहा है ये होता है नर फूल और जो ये दूसरा आपको फ्लावर दिखाई दे रहा है ये होता है मादा फूल। मादा फूल से ही हमें लौकी या तोरी ये सब चीज़ें मिलती हैं। जब तक इनका पोलिनेशन अच्छे से नहीं होगा तब तक ये फ्रूटिंग फ्लावरिंग करेंगे ही नहीं। तो पहले तो क्या होता था कि मधुमक्खियाँ होती थी, मधुमक्खियाँ पोलिनेशन कर देती थी, लेकिन अब मधुमक्खियाँ और ये सब चीज़ें कम हो गई है, इसलिए पोलिनेशन कम होने की वजह से अच्छे से अब जैसे कि ये वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है ये लौकी का मादा फूल है, इस पे ही फूल आएंगे और जो सीधा नीचे से ही फूल खिलता है वो होता है नर फूल। तो इनका पोलिनेशन भी बहुत ज़रूरी है, अगर पोलिनेशन अच्छे से होगा तो फ्रूटिंग और फल भी आपके अच्छे से ही लगेंगे। बस ये और तीसरी बात है कि अच्छे से पानी देना और साथ में खाद मिलाते रहना और जितना हो सके पेस्टिसाइड का प्रयोग उतना कम से कम करना। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे वाकई में बिना किसी दवाई के अच्छे से ऑर्गेनिक फ्रूटिंग करेंगे ही करेंगे। ओके।